अब बढ़ रहे हैं आगे। यूपी के सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर की बात अब करते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और बात जाति तक पहुंच जाती है। आज समाजवादी नेता मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर जाने की तैयारी में है। बीजेपी ने इसे अपराधियों का साथ बताया तो समाजवादी पार्टी ने मुठभेड़ में मारे जाने के पीछे जाति कार्ड चलाए। अखिलेश यादव का आरोप है कि पुलिस जाति देखकर आरोपी का एनकाउंटर करती है। दरअसल पूरा मामला जरा बता दें, 28 अगस्त को सुल्तानपुर में करीब 1.5 करोड़ की लूट हुई। 2 अगस्त की रात पुलिस ने डकैती के 3 आरोपियों को पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 3 बदमाश सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन उर्फ लाला को एनकाउंटर में जख्मी कर पकड़ने का दावा किया। इसके बाद आज सुबह खबर आई कि पुलिस ने लूट में शामिल चौथे बदमाश मंगेश यादव को मार गिराया। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं और अब मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। दिया कुछ लोगों को पैर में गोली मार करके नकली इनकाउंटर दिखाने की कोशिश की और एक अपराधी की किन अगर जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए, सरकार बदलेगी फिर क्या होगा? तो हम नहीं चाहते हैं कि जाति धर्म में सरकार काम करे या अधिकारी काम करे। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, यहां पर जो समाजवादी पार्टी के नेता वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बदलेगी तब क्या होगा, अगर आप जाति के हिसाब से एनकाउंटर कर रहे हैं तो? देखिए, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद। और मंगेश यादव के परिवार से आज मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। जौनपुर के अगरौरा गांव है जहां का ये मंगेश यादव 1 लाख का इनामी था, जहां का रहने वाला था, जहां पर उसकी बॉडी पहुंची एनकाउंटर के बाद, पोस्टमार्टम हुआ और आज उसका अंतिम संस्कार होगा। उसके परिवार वालों से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। बात अगर क्रिमिनल हिस्ट्री की करते हैं तो मंगेश यादव पर कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें एक सुल्तानपुर का गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है, चोरी लूट डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, तो एक शातिर अपराधी जिसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। 28 अगस्त को दिन दहाड़े ये वारदात हुई, सीसीटीवी में कैद हुई कि किस तरीके से पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए इस वारदात को एक ज्वेलरी शोरूम भरत ज्वेलर्स के यहाँ पर डकैती डाली गई और 1.5 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी लूट ली गई। उसके बाद अब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी वहां पर इसको एक राजनीतिक आईने से देखती है। बिल्कुल, और देखिए सवाल यही उठता है कि क्या आप अपराधियों के भी जाति देखे जाएंगे, उसके हिसाब से ही उनको न्याय या बिना न्याय के रखा जाएगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आता है।